अभी जो है ना हम अपने वो बाहर का मौसम भी तो यार अच्छा हो गया, नाइस मौसम, नाइस वेदर। मेरी इंग्लिश खराब हो गई पंजाबी से। वेदर भी अच्छा हुआ है आज, हवा वगैरह चल रही है, धूप भी निकली है, साथ साथ हवा ठंडी चल रही है, राशा मैडम सो रही है। तो अभी जो है ना हम रस खाएंगे अपने, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग गई, तो मैं खाऊंगी रस। ये सुबह ही निकल गए थे क्योंकि मैं लेट उठी, उनको मिल नहीं पाई। मैं आज उठी हूँ 2 बजे, मैं उनसे मिल नहीं पाई 2 बजे, नहीं मैं उठी, वैसे मैं 9 बजे उठी हूँ, लेकिन मेरी जो प्रॉपर आँख है ना वो 2 बजे खुली है। 9 बजे मैंने फ़ोन पकड़ लिया था, मैं देखी कि सुबह 8 बजे ही निकल गई थी। तो मुझे अभी हम खाना वगैरह खाते हैं, खाना खाते हैं ना, मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद जो है ना वापस आ चुका हूँ वगैरह यहाँ पर करूँगी, पहले कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं। उधर मेरी मम्मा को देखे, मम्मा आपके कपड़े मैं करने थे, तो आप छोड़ो, मैंने आपको बोला था मैं करूँगी, फिर करी जा रहे हो ये ना सीधा करके ना। अच्छा जी, हम अपने वो निकाल लेते हैं, तब तक कपड़े निकाल लेते हैं। क्या है अजीब, पंखा चला लो देर लगे। मेरी अलमारी का हाल की होया है, मेरी अलमारी का हाल की नहीं किया, मैं तो नहीं किया, मैं ऐसे काम नहीं करती, मैं अपनी अलमारी नहीं गंदी करती, मुझे समझ में नहीं आ रही। वापस अंदर क्या पहने हैं, क्या पहने हैं, जितनी मेरी प्यारी अलमारी का हाल हुआ है ना, कुछ भी काम नहीं, कभी नहीं करा इसमें से, कुछ देखे हम भला अपने आशा के कपड़ों में से कुछ देखते हैं, कुछ मिल जाए अच्छा सा हमें, फिर अरे तो कुछ अच्छा नहीं पड़ा होगा। मेरी बेचारी बहन के पास है क्या ये वाली अलमारी, अगर सेट करनी है कर लेते हैं, ये वाली अलमारी भी सेट कपड़े वगैरह चेंज करके। मैं सोच रही कि मैं क्या पहनूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या पहनूँ। ये सबसे बड़ा मसला मेरा इस दुनिया में यही है कि मैं क्या पहनूँ। गुस्सा एक तो मुझे गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता, फिर मुझे गुस्सा भी बहुत ऐसा आता रहा कि मैं बंदे का मुंह तोड़ दूँ, मैं तो उसका मुंह दीवार में रखना, सब दीवार में रखना। मुझे वैसे ना कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या पहनूँ, डिसाइड करती मैं फिर आपको बताती हूँ मैं क्या पहनूँ। 2 काम करने हैं, केवल हमारी सही करने, वो वाली हमारी सही करनी, पहले हम ये वाला पोर्शन साफ करते, वैसे हमारी मैं साफ करना, कुछ ड्रामा लगे तो नॉन आए साफ करने वाली हमारी सबसे पहले तो असं पंखा चला के आने, पंखा चलाने की बड़ी गलती करते चल गया। तो अभी जो है ना अपनी ये वाली अलमारी साफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, पूरे तरीके से सेट कर लिया है ना, दिखा सकते हैं आपको, ये देखें आप कितना प्यारा लग रहा है, पहले कि आप देखें वीडियो आपकी देखें कितना प्यारा मैंने लग रहा है। ये देखें सारा कुछ मैंने, वो मेरे पीछे ट्रॉफी वगैरह सब कुछ मैंने ऐसे सीधी कर दिया ना स्ट्रेट। आए मैंने छलांग मारी मेरी कमर, आए लगा बहुत ही नाजुक नहीं। अच्छा जी गली मैं देखा जी क्या हो रहा है, गली बड़ी आवाज आ रही है, अच्छा अब ना मैं थक गई हूँ इस अलमारी को साफ करते करते, अब जो दूसरी अलमारी है ना मैं शाम को साफ करूंगी, तो अभी थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा सबको। आ चुकी है जिस टाइम मेरे जाने का अलमारी सेट करनी, घड़ी आ चुकी है, मैं तो बोल रही थी अपनी सही करो, मैं अपनी पेंट शर्ट लगा के इधर इधर लटकानी है,
मेरे सारे कपड़े ऐसे घुसे हुए हैं भी, मेरे का सब दिख रहा हूँ होता है देखकर। वैसे तो मेरे सारे इधर है कपड़े, बट फिर भी हम इधर से अपनी सारी पैंटों को मैंने कपड़े हमें चलो इधर। ये तो भी ऑर्डर चार। अच्छा जी अब हम क्या है ना अपनी पैंट वगैरह सारी निकालते हैं, शर्ट्स निकालते हैं। तो पहले मैंने अपना सेटअप बना लिया, दो मुड़े चढ़ा के थे बेगम का डब्बा रख के थले फोन ला देता है। अच्छा जी तो मैं भी आप सबको बता सकती हूँ कि मैं क्या करने लगी, जैसा कैसे बोलते ये फेंक दिए हैं। अब जो है ना मैं इसके बीच में जो पैंट शर्टें वगैरह हैं ना इसको हम साड़ी सीमेंट वगैरह देते हैं। अब मैं शर्टें वगैरह से उनकी पैंटें वगैरह अलग करनी है, मुझे इसमें पैंटें से वो भी लेनी है, उम्र पैंटियाँ नहीं मिल रही हैं जब मैं साफ कर लूँ। ये भी मैं जो चीज़ें मैं पैंट के साथ फेंकती मैं वो उधर फेंक रही हूँ। और मैं जैसे क्या ये भी उधर जाएगी, मेरी जी रशिया में पैंट में पानी है ना ये भी उधर जाएगी। और मैं टांग से तो ऐसे कटी जैसे सारे कपड़े गंदे मैं। अच्छा जी और तो ये पैंटे इधर भी हैं, ये सारी इतनी पैंटे वाले जमा करूँगी और शर्ट्स वगैरह जमा करूँगी। ओके तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं, सबसे पहले तो फालतू चीज़ें हम निकालते हैं ना, निकालते हैं यूज़ तो नहीं करते सारी जितनी भी चीज़ें इधर रखी है हैंगर वगैरह हम सारे जाना वापस रखी बेची तो ये भी नहीं पैर ये तो चली जाती है। और इसकी पैन लगती है चुंगी तो चली ये भी पैंट आ गई मेरी। और हैंगर ये क्या की है, मैंने क्या किया, मैं ईमान जबान में कुछ भी कर सकती हूँ दुनिया में। ईमान ये क्या बदतमीजी है, मम्मा समेट दूंगा ये तुमसे समेटा जाएगा। यस बाद में आपको ही करना पड़ेगा। देखती हूँ तो देखिए मैं इसको जूते कैसे मारती, मैं ब्रोको को डालूंगी तो मुझे मार खाना रहते, बट मामा जी ना बनता ये भाई ये इतनी प्यारी अलमारी में इसका मैं थोड़ा सा कैमरा इस तरह घुमा देती हूँ क्योंकि जो अब मेरा काम है वो इस तरह। और मैं तो मैंने मेकअप भी कर लिया क्योंकि मेकअप मेरे सामने पर आवा तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं मेकअप कर लिया। अब जो है ना इसमें से अच्छा अब सबसे पहले मेरा मुझे चोटे लगी जा रही है मतलब। अच्छा तो ये एक पैंट है लड़की जब फोल्ड करके उसको मार क्या मेरी शर्ट ये भी है नहीं और कोई शर्ट
जाओ पढ़ापे के पास से लेके आओ फिर मैंने। अच्छा जी और मैं क्या करूँगी, मैं ये करूँगी, ये मुझे चाहिए नहीं, बस मैं मम्मा को कैंस हुआ है, ये भी मुझे चाहिए, ये इधर सारी टाइट्स हैं, हमारे पास हर कलर की टाइट्स हैं, ये ब्लैक में आ गई पर्पल ऐसे निशान पे, ये आ गई मरून और ये भी ब्लैक, ये ज़्यादातर हम सर्दियों में यूज़ करते हैं तो इसको भी ना अलग से रख देते हैं साइड पे, ये भी हमने बहुत ही यूज़ करती है, ये भी टाइट, ये भी टाइट्स हम एक हैंगर पर अपनी एक पैंट हम इसको सिला करते हैं। सबसे पहले हम हैंगरों के अंदर जो है ना, हैंगरों के अंदर हम डालेंगे पैंट, इसको हम सीधा करके ना बिल्कुल स्ट्रेट करके ऐसे करेंगे, उसके बाद सीधी ओके एक ही आ गया मेरी पैंट सीधी, अभी भी नहीं हुई ओके, एक दूसरी पैंट है इसको पता ज़्यादा उसको साफ कर, मैंने इतने महीने हो गए नहीं, मैंने इसको सीधा पर लिया, मैं सीधी नहीं की थी, मैं पहले जा सकती हूँ, मेरे को कपड़े एंजी में एंजी पैक करूँगी तो एंजी रख दी है ये देख लो, पैंट को सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है, आ जाती है अभी थोड़ी नहीं देखो ना, और ये आ गई जी दूसरी, इसको भी हम फोल्ड कर देते हैं, मेरी बहुत अच्छी पैंट है ये ब्लैक पैंट है मेरी, इसके पीछे तलियाँ हैं तलियाँ, ये मेरी बहुत गंदी लगती है सो मैं कटवा दे रही हूँ, हाँ सो इसको भी जो है ना फोल्ड फोल्ड कर देते हैं, फोल्ड हैंगर भी लगा देते हैं, अच्छा इसी का ही हैंगर अंदर अंदर ही जाओ, तो ये हमारी एक और पैंट हो गई, इसको सीधे भरदा करते हैं, सीधा भरदा सीधा भरदा हो गया, और सेकेंड एंड थर्ड मेरी पैंट, थर्ड मेरी पैंट उधर है, फोर्थ मेरी पैंट ऊपर है, उनको हम आगे करके फिफ्थ मेरी पैंट आ गई, वो तक हम इसको कर लेते हैं, पॉकेट इसके पैंट लिख देते हैं, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है, बाथरूम की लाइट मैंने खुद चलाई, अच्छा जी अब एक हैंगर चाहिए, और मैं आपने इतनी टाइट्स क्यों जमा की हुई हैं, येलो भी पिंक भी मरून बेटा ये यूज होती हैं, यूज होती मैं तो कभी ये ना येलो यूज होती देखी है ना मरून भी यूज होती देखी है, सर्दियों में यूज होती हैं, मैं कभी ये तेनू ना उधर रखो ठीक है, पहले इधर मैं इधर ही रखो, इधर ही रखो, इधर सी कोई जगह, क्योंकि ये इस तरह की चीजें सारी इधर लटकी हुई है ना, ये एक अलमारी बनी हुई है जी, एक तरह थोड़ा सेट है तो मेरा सेट है किधर गया जी, मेरा मेजे मैं सोचा है साइड पे एक हैंगर लटका हां जी, अब ऊपर से मुझे चाहिए पैंट अपनी, कोई पैंट ले मेरी एमज हमें जाना की पैंट है देखा नहीं आपकी थी ये आशा की थी, ये आशा की थी हेलो मां जी इसमें आके रखे जी बच्चे ने काम आएगी, अब जैनब के काम आएगी आशा की, प्यारी पैंट है ये, मुझे भी वैसे पूरी है, ये पूरी है पूरी है, ये इसको भी रमजान आपकी मारी ना, मैं तो आज वेखी इन्नी प्यारी पैंट है, मैंने पहले दसिया पर जो पैंटा होनी है मैंने पैंटा शर्टा, अच्छा जी और हम क्या करें हैं शर्ट सब हम डाल लेते हैं, क्या इस हैंडल में कर पिंक वाले सो शर्ट्स, अब मैंने इतने ज़्यादा शर्ट्स ले गया हूँ इकट्ठे ही, अब एक बार ना माँ जी मेरे बाजार चली सारिया शर्टा मैं लै के आई जी जी बाजार चो तो भी जो है ना इसको ऐसे करते हैं, मैंने सोचा ना इस्त्री करके डाल दूँगी लै के आना, मेरे को ना फालतू टाइम नहीं है कि मैं इस्त्री कराँ फिर डालना, मेरे पास इन्ना फालतू टाइम नहीं होंगे इन्होंने चीज़ों का, एक मेरी एक शर्ट हो गई पर्पल ये शर्ट हो गई फेवरेट शर्ट है बहुत इसके बहुत बहुत बड़े बड़े शायद आप हमने देखी है, ओके इसको भी हम ऐसे कर देते हैं, ये भी उल्टी है यार एक तो उनकी शर्ट और जैसा है ना मैंने बड़ा ही गुस्सा चल रहा, ये हमारा मोस्ट रेटेड ब्लॉग बन गया है, क्योंकि मैं एक हफ्ते तो कह रही थी मैं अपनी अलमारी सेट करनी, अलमारी सेट करनी मेरे टाइम नहीं लगा सी, हाल ही मैं टाइम कॉल के अपनी अलमारी सेट कर रही हूँ,
इसे लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो। छेती 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 मुझे टिका और नहीं हिचकियाँ, और नहीं हिचकियाँ, हिचकियाँ नहीं हिचकियाँ। मेरे तो पर ऑप्शन आ जाता है जी, मैंने नहीं देखा कैमरा ओपन कर लिया जी, कोई मौत आ गई कैमरे वाले यार, और तो ऑप्शन आ गया जी कैमरे में हाथ लगाए ये मैं फालतू लाया ना कि पता ही मार लोगर आ गया इधर अजी। ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई है। इसको हम उधर रख देते हैं, हाँ जी, इसको भी, इसको भी इधर। चल इसके अंदर डालेंगे अपनी फ्रॉक, या सब याद होगा ये मेरे ख्याल से मैंने एक ही दफ़ा फ्रॉक पहनी है, इसको भी हम पहनेंगे बस कुछ आ जाए। मेरी दोस्त की बर्थडे है कि उस पर ना पहन लूँ मैं। मामी हेलो, माँ जी तो नमाज पढ़ी है, मैं जी इधर नमाज पढ़ी है ना। अब मेरी दोस्त की बर्थडे आ रही है तो मेरा दिल है कि मैं उस पर, उसकी बर्थडे पर, हमने ना बाहर जाना है अकेले घूमने, हमने गर्ल्स, सिर्फ हम गर्ल्स होंगी, आयशा, मैं और मेरी जो दोस्त है कौनैन, वो जिसके घर हम कूड़े खाने गए थे सर्दियों में, बड़ी वाली जो थी ना उसके साथ, उसकी बर्थडे आ रही है तो हमें उसकी बर्थडे पर जाना है। हम ये पहन के जाएंगे, हमने कहा स्लीपर सेटअप खा ली, तो क्या क्या पहनने जाना। उसके बाद मैं अपने बाल छोटे करा रही हूँ अगले महीने की लास्ट को, आप लोगों को भी मेरे बालों का। गाइस मैं दूसरी दुकान से हैंगर ले आई, और ये वो हैंगर है जिसमें मैं कपड़े डालूँगी, तो इनको मैंने इधर रख दिया। नहीं नहीं ये हैंगर चाहिए, नहीं नहीं ये चाहिए हमें मिशकू वाला। अब मैं शर्ट आपको खा दूँ, फिर लो फिर मेरे को पता नहीं होया नहीं किसी को। सो ये देखें, ये देखेंगे मेरी पता नहीं कितने साल पुरानी शर्ट है जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट, और मुझे अभी भी पूरी है। अब मेरी पता नहीं हाइट, हाइट तो मेरी बहुत बढ़ गई, मेरी आयशा से भी बड़ी हाइट है। इंशाल्लाह मैं आर्मी का यूनिफॉर्म पहन के सलूट मारूंगा तो कितना प्यारा लगूंगी ना। ये पागल हो गया, फिर पता नहीं क्यों जा रहा है मेरी शर्ट में गुस्सा चढ़ा रही है शर्ट पहनो। अच्छा जी, और ये मुझे छोटी भी नहीं थी, ठीक है बस जाना को दे देंगे, चलो बेचारी को एक दफ़ा मैं पहनूँगी, लास्ट टाइम जब मैंने पहनी होगी फिर मैं बाद में जाना भी। और इसको कर लेते हैं, इसको अलग से रखेंगे, ये मेरी फेवरेट शर्ट। मम्मी अभी मुझे ऐसे खड़े होकर देख रही, हर लोग तो अपनी हमारी सही कार ही होती है, मेरे को ऐ काम है मम्मी जी। हम मैं सारा सही करना पैना, माँ जी ने कर लिया जी की मैं समेट लूंगा। ओके 8:30 हो गए ने, अच्छा सो हम इसके अंदर रख ले जाते हैं अपनी शर्ट। ऐ पहले थल्लो वाला ये तुम्हारा बहुत प्यारा फोन है, पुराना फोन, प्यारा नहीं पुराना फोन, लेकिन ये ऑन चलता भी है गाइस। माँ जी नहीं चलता, अच्छा चार्ज होने वाला, वैसे ही चलता है ना। मेरे बैग ना झूठ रहे थे, हमको लैसे वाले ऐसे ऐसे करते हैं ना मम्मा, ऐसे 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 करते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे। मुझे भी आ गए, मैं ठीक ना खोल लें। नहीं जी मैं अपने सपने पूरे करने ने, मैं आर्मी बना, मेरा सब तो बड़ा ख्वाब है ही है, मैं आर्मी बनना है, तो मैं बुलेट चलानी है जिंदगी चाप भी दौर। हेलो मैं की हो रहा अच्छी छोटी 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 हो गया मेरे से हो गया। अरे एक अभी अभी मेरा जब ब्लॉग देख के आई उसके घर मेरी फायरिंग हुई है, उससे रियल बता दिया स्टोरी कि मेरे घर में फायरिंग क्यों हुई है। क्या ऐवे ही वो उसको जो एक दिन ना रजबर ने, रजबर सॉरी करा मेरा ब्लॉग देखा, वैसे रजबर मेरा ब्लॉग तो देखेंगे नहीं, जो उसे गार्ड नहीं रखा हुआ इन्ना जे होंगे गार्ड है माँ जी, और मेरे सिक्स पे एक्स नहीं आएंगे इन्ना जे होंगे मेरे तो ये सुखा फायरिंग क्यों हुई है मेन बात। अच्छा कुछ भी नहीं, वो आए थे तो वो लोग ऊपर आ रहे थे सीढ़ियाँ चढ़ के माँ जी से मिलने, जो रजब की मम्मी है, मम्मी अपनी मम्मा से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है ना मम्मा। अच्छा ठीक है, तो ऊपर आ रहे थे तो उनके गार्ड ने रोका, तो वो चपेड़े मारना शुरू हो गए गार्ड को, ऐसे में गालियाँ वगैरह दे के जब वो चौक के चौक पर चले गए ना तो उधर जाके फायरिंग करना शुरू कर दी, उनके घर के 8 गोलियाँ मिली हैं। और
देखो जरा बेल्टा तरकी का की काम की का ये मैं वो वाली मारी बस ये ड्रेस के साथ है मैंने जरा मैं फ्रंट से बना रही हूँ फिर मैंने जो है ना ये वाला खाना नीट कर लिया जो है मेरे तरह अपने जो है घर है वो जोड़ेंगे तो भी जाना लग रहे थे लैस को मत मेरे अपना भी चलो तो सबसे पहले आएगी हमारी है भाई फ्रॉक मुझे बहुत खुशी हो और इसको हम हैंडल कर मेरी ना ऐसा ड्रीम हमारी ख्वाब है ख्वाब हेलो एम हैंग नहीं कीजिए हैंग करना ही नहीं इसको भी हैंग कर देते हैं ये हैंगर में नहीं करते हाँ इतने मेरा हैंगर गायब होया कैसे मेरा हैंगर लेते हैं माँ जी तुझे मेरा हैंगर लेते हैं मेरा हैंगर जहाँ से ज़्यादा प्यारा हैंगर कोई मेरा हैंगर घूम गया मैं कुछ नहीं अंदर से अंदर कुछ बाल लेते हैं बट हैंगर है ना मैं क्या अंदर कुछ कुछ चीज़ें आ जाती हूँ कुछ चीज़ें आ जाऊँगी आ जाऊँगी बोल पंजाबी फिर स्पीकिंग इन पंजाबी फॉर 24 आवर जल्द ही आएगा इसी चैनल ओके सो हमने अपने कुर्ता भी मेरा फेवरेट कुर्ता ये पहले आयशा का था मैंने ले लिया क्योंकि वो पहनती नहीं है ऐसे कपड़े इसको मैं ऐसे रख देती हूँ अभी तक ये शर्ट हेलो मैं एक शर्ट की थी कौन लगे हमें छुपा लिया अभी मेरी शर्ट है बाकी मेरी जो शर्ट है ना वो इधर कहीं ढूंढनी होंगी अंदर कुंभ में हम कर लेंगे फिलहाल ये मैंने दो शर्ट्स अपनी ऐसे रख ऐसे रख ना जरा थोड़ा सा कैमरा सही कर लूँ बोल बोल इधर ही रहना हूँ तो मैं गुस्सा आ रहा तेरी बात मान और किधर गई मेरी पहली पैंट आ गई पैंट है ये दूसरी पैंट आ गई हाँ ये तीसरी पैंट आ गई मेरा ना ख्वाब है मेरा ना ख्वाब है कि ना मैं ऐसे ही ना अपनी मेरी सिर्फ मेरी अलमारी हो एंडे बीच ऐसे पता है कितने कितने कपड़े उस साइड में आयशा के कपड़े मैं बताती हूँ इसमें सारे आयशा के कपड़े होते हैं इसमें और इसमें ज़्यादातर मेरे कपड़े होते हैं क्योंकि देखो मैंने जो ऑर्डर से निकाला वही मैंने वापस ज़्यादा डाल दस मिनट के इसकी और ये ध्यान रखिए और ये अहमद की अलमारी है जो नीचे वाले हैं मैं चाहती हूँ मेरी पूरी अलमारी हो माई ड्रीम और मुझको ऐसे सेट करके सजा सजू के पिक्चर्स लगाया करूँगी अपनी और इधर और मेरा कुछ है ये ना वैसे यूनिफॉर्म का वैसे कोई काम नहीं है लेकिन हम यादगार के तौर पर रखते हैं क्योंकि मैं वापस इसी स्कूल में चला गया ओके इस यूनिफॉर्म में हम हैंग कर देंगे हेलो 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 हरी चीन कभी लाभो लाभो हेलो 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 आलू ला लो भिंडी लो मैं पता नहीं किधरों याद है क्योंकि हम उस वाली माड़ी में रहते हैं क्योंकि मेरी दुकानियाँ मेरे इतने प्यारे से कपड़े पड़े हैं और ना दो तीन सूट चीज के जो है ना हम जैसे कि अब हमने कहीं जाना होता है हम पहनते हैं और जैसा कि हमारी गली मैंने बताया था हमारी गली में मिलाद आ रहा है वो है सैटरडे को है या फ्राइडे को मुझे डेट कन्फर्म नहीं पता कल है 30 फिर 31, 2, 3, 4, 5 मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मिलाद है 5 को तो सैटरडे वाले दिन मिलाद है तो मैं डिसाइड करूँगी कि मैं क्या करूँ आपको भी साथ साथ बता दूँगी उसका मिनी ब्लॉग आ जाएगा कि मैं डिसाइड करूँगी कपड़े उसका मैं मिनी ब्लॉग डाल दूँगी फिलहाल जो है ना अभी इधर के जो कपड़े हैं इनको समेटते हैं और जल्दी से अपना काम खत्म करते हैं मोस्ट ऑफ एडिट ब्लॉग आज हमारा कंप्लीट हो गया ये और इधर मेरा कुछ और इधर आए हाय एक तो चीज़ आ रही जा रही है मेरे नाव की बड़ी प्यारी शॉल है मुझे बहुत प्यारी लगती है बहुत ज़्यादा प्यारी लेकिन मैंने इसका क्या करना शॉल का ओहो यार क्या है लो ये देखिए ये मेरी माँ की प्रीटीएस्ट वन ये मेरी मम्मा की प्रीटीएस्ट शॉल है प्रीटीएस्ट इसका फॉन्ट इतना प्यारा हुआ है गाइस वाओ दिखा सकता हूँ ये शॉल मेरी फेवरेट है अम्मी मैं शॉल दिखा रही हूँ ना वैसे मेरे साथ उल्टा हो गया मैं अपनी मम्मा को मम्मा कहती हूँ वैसे कुछ लोग होते हैं जो अम्मी कहते हैं लेकिन मैं अपनी दादू को अम्मी कहती हूँ ये देखिए इसका इतना प्यारा काम हुआ तो गाइस मेरी फेवरेट है तो इसको ऐसे
मेरी माँ जी ने बैठ लिया, मेरी माँ ने कहना की कर रही है चनियोटा सिलाया इसने, जहाँ से मेरे चाचू आया ना उधर से, हम जाएंगे चनियोट भी जाएंगे और उसका ब्लॉग में आ सकते होंगे, इतनी उधर प्यारी प्यारी जगह है ना चनियोट में। और गाय जो मेरा गाँव है, आए हाय मेरे गाँव का नाम वादिया सुन, हाँ वादिया सुन मेरे गाँव का नाम है, वो पहाड़ी इलाके गाय, इतना प्यारा मेरा गाँव है ना। मम्मा मम्मा मेरे गाँव का पूरा नाम क्या है? सकेसर भी साथ होता, हाँ इतना प्यारा गाँव है, तो बर्फ पहाड़ी पे होती है ना मम्मा। जब मेरे पापा आएंगे ना सर्दियों में गाँव चलेंगे, फिर उधर बर्फ पहाड़ी होती है। मेरे पापा, मैं एक दफ़ा गई हूँ बस अपने गाँव, वो भी मैं होती थी 6 साल की, तो कोई फोर्थ की थी, मुझे तब लेके गए थे मेरे घर वाले, जब हम अपनी गाड़ी में गए थे। अब तो मेरे पापा ही, तो हमने गाड़ी का क्या करना था, इसलिए हमने गाड़ी दे, हमारे पास थी पहले गाड़ी, लेकिन हमने किसी को दे दी क्योंकि पापा मेरे चले गए थे। माँ जी ने मेरे जी ड्राइविंग करना तो डर लगा, मैं कह रही मेरे बाइक लगे, लेकिन मेरा बाइक छोड़ दिया चलाना, मैं आ सको बता, मैंने बाइक चलाना छोड़ दी। मेरा बचपन का ख्वाब था, जब मैं थी, जब मेरे मतलब जब मेरे पापा को देखती थी पापा बाइक चला रहे, तब मुझे तब से मेरा ड्रीम था कि मैं बाइक चलाऊं, और मेरा ड्रीम पूरा भी किया, मैंने बाइक भी सीखी। मैंने बाइक 8 साल की उम्र में मैंने बाइक सीखी थी, और 10 साल की उम्र में मैंने प्रॉपर, मैंने बीच में छोड़ दी थी क्योंकि मेरे पापा चले गए, तो उसके बाद मेरे दादा को ने मुझे बाइक सिखाई। अब मुझे प्रॉपर बाइक आती है, मैं थोड़ी थोड़ी भूलती जा रही हूँ, वैसे इतना मेरी भूलती बैलेंस बिगड़ जाता है क्योंकि अब मैं इतनी चलाती नहीं ना हूँ, मेरा फिर ऑप्शन आ गया। हद तक मैंने ठीक कर, मैं आप लोगों को सेटअप दिखा सकती, मैंने ये सेटअप किया था, मैंने ना इधर अपना फ़ोन रखा हुआ था और साथ आपका पूरा व्यू नज़र आ रहा था। अभी जो है ना मेरे जो अलमारी में कपड़े रखने वाला, मैंने इधर रख दिया, बाकी जो है ना ये कुछ हद तक ठीक हो गई है। इधर मैंने क्या क्या रखा है, ये अपनी फ्रॉक एक रखी है मैंने, वही निकल आए हाय, और ये अपना वो पर्पल ईद वाला सूट, ये वाइट वाला सूट, ये वो वाला जो मैंने दिखाया था आपको कुर्ता, वो ये ब्लू शर्ट, ये भी ब्लू शर्ट है मेरी, ये ब्लू शर्ट है, और ये वाई वो वाली येलो शर्ट है, और ये वाली पैंट वगैरह मैंने इधर रख दिया। टाइट्स मैंने बोला था इधर रख, मैं क्या मैं इधर नहीं रखती, लेकिन फिर भी मान मिक्स नहीं मान के इधर ही रखती। और अभी जो है थोड़े बहुत और कपड़े हैं जो मैंने रखने हैं, तो चलो बस अभी जो है ना मेरे मम्मा को बुलाया कि मेरे पास आकर बैठे, मुझे डर लगता है भूत ना आ जाए, तो मैं लगती खा कर ले जाती गाड़ी में, माशाल्लाह बोला ना चलो जाए। अच्छा और 2-3 और कपड़े जो मैंने हैंग करके इस अलमारी में रखने हैं क्योंकि मेरी अलमारी फुल हो गई है। पहनती मैं इस वैसे 4 ड्रेस सिर्फ, ये मैं बताती हूँ, एक ऑरेंज वाला, ये एक रेड वाला, ये एक ब्लैक वाला, एक वो ऑरेंज वाला, और एक किधर गया किधर गया, ये ग्रीन वाला। 4 सूट होते हैं जो मैंने पहने होते हैं सिंपल बस, और मैंने ना महीना गुजर के मैंने ना वो वाला पहना है ना ये वाला पहना, तो फिर यार मैंने एक गंदे तरह डाल के मुझे सफाई मैंने कर दी। माँ जी जा मामा मम्मी मेरी कोई इज्जत है अपना, मैं जाके देखती हूँ। माँ जी आ जाओ, वो आप गया है वो हरिकरण, वो निर्शीदा ने मिलता की नहीं है, निर्शीदा साहब क्या और क्या नहीं, हरी मेरा बुलावा नहीं है मेरे, तो मैं नूनी आसा भी गाल सुना के बैठी है, तो मार्केट में गाल मेरे भी आसा की गाल सुन के किसे नहीं चाहते ना आप पापा मेरे लोगे से भी चाहते हैं, मम्मी को मैंने उठा लिया, मैं आके देखो ये मैंने इधर रख दिया सारा गंदा चोला, उसके बगैर मेरी माड़ी तो अच्छी लग रही थी ना मम्मा, ये टाइटों के साथ ही लटका हेलो वो बेटा मुझे एक ही साड़ी, मम्मा इतनी अजीब लग रही है ना कसम से माड़ी, नहीं अजीब लग रही मम्मा, ये देखो मम्मा में कोई स्टैटिक पर है ही नहीं, मेरा भी सारा स्टैटिक पर मम्मा गवा रही है, उधर उधर वो किधर रखी मेरी शॉल, उसके साथ अहमद की स्वेटर वगैरह थी, वो मैंने वो वाली माड़ी में रख दी, गर्म कपड़ों में रखी है ना मम्मा, देख लो तेरा गर्म चीजें पड़ी है तो मैंने उधर रख दिया है। अच्छा मम्मा बताओ कैसा है कि अब मेरे कपड़े ना कोई हाथ ना लाए, ना ही ऐसे भी और कपड़े ऐड होने, हूँ मेरी एक पेंट शर्ट रह गई होते हैं वो तो मैं कल ले आऊँगी, तो कन्फर्म आपकी जो पूरी अलमारी है ना उसका टूर मैं आपको मिनी ब्लॉग में दिखा सकती हूँ। ओके और अब आप बता दो कि मेरे मिलाद पे क्या पहनना है, सुबह कोई ड्रेस पहन लेना, तो रेशमी कपड़ा और देख लो ना जिसके वो कम हो, और मेरी आंख में लग रहा है आप कितनी चिट्टी लग रही है मम्मा, बेस लगाई है नहीं ना नहीं मस्जिद में अभी ईशा की नमाज पढ़ रही हूं, आपके चेहरे पे नूर, बताओ क्या पहनूं मां, ईमान बेटा कोई रेशमी सूट सुबह देख लेना, कोई फ्रॉक वो चुभता है तो फिर अपनी मर्जी करनी, वो लॉन का पहन लो, येलो वाला पहन लो, वो ऑरेंज पहन लो, वो दूसरा पहन लो, फिर मैं तो यही कहूँगी। माँ जी मैं भी नहीं किया कि मैं घर वाले कपड़े पाने ने जी, तुम्हें बाकी छुट्टी है फिर बाहर वाले लो जी सुबह डिसाइड कर लेंगे, पेंट शर्ट पहन अब
अभी ये ड्रॉ करना आपसे बोल रहा हूं, मैं क्या पता जल्दी सोती हूं मेरे से, है ना? बोल दो आज आप जल्दी सोते हो, आज बोल दो आप जल्दी सोते हो। मैं नहीं बोल दो यार, आप होती मम्मा मेरे से रोज जल्दी सोती हैं, रोज है ना, बोलो जल्दी सोती हो तू, है चूक तो सोइए। अब वो गंद मचल मैं उठाऊंगी इसको, समेटूंगी और सो जाऊंगी बाद में, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी थी, जल्दी नहीं उठी थी। तुम जल्दी उठी थी जब आ गए हैं, असगर माँ जा चुके हैं, उसके थोड़ी देर बाद तुम उठ गई थी। मैं 9:43 पे उठी थी मेरे ख्याल से, मेरे ये वाला था। अच्छा मम्मी मैं ज़रा ये कपड़े उठा लूँ, अपने लोग एंड कर लूँ, मैं फिर सुन लूँ। कपड़े उठाती हूँ मैं, अब मेरे मुँह से मेकअप हट गया, थोड़ा खा मैंने लिपस्टिक खा लूँ थोड़ा एक तो मेरी बड़ी गंदी आदत है, लिपस्टिक खाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं करके खा लेते हैं, मुझे बड़े मजे के लगते हैं। जो लिप ग्लॉस नहीं है वो शाइनी वाला, मैं ऐसे ऐसे करके सारा खाया, बड़े मज़े का मम्मा लिप ग्लॉस खा के, वैसे मैंने सारा ख़त्म कर दिया, बड़े मज़े का सच में। उसका ब्रश चाटे हैं मैंने, हाय मेरी बेटी तुम्हारे, देखो ना उधर वो तंग कर रहे हैं, मैं उनको सुनाऊं उनके सोने का टाइम हो गया। चल इधर बैठे ना, अपनी माड़ी वगैरह मैंने जो है हाफ खेल कर लिया, हाफ रह गया, तो भी इंशाल्लाह मैं आप सबको दिखा दूँगी कि मतलब मैंने अपनी माड़ी का पूरा टूर करवा दूँगी मैं आप सबको सेट वेट कर के। सो होप्स यू लाइक द ब्लॉग, तो इधर ही मेरा ब्लॉग होता है, तो मेरे चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, मेरी मम्मी को भी बता दो, मैं सब जा दूँगी। अल्लाह हाफिज़।